गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और राज्यसभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो आजकल पॉलिटिक्स की बातें बहुत हो रही है, तो इम्पोर्टेंट कुछ जल्दी निकलता नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो साइंस मॉनिटर में बात की गई है, सैटरडे को आता है, डिस्कस करेंगे, दो तीन पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट, कल एक आर्टिकल हमारा छूट गया था देश देशांतर का, सोशल मीडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज है, ये हबल टेलीस्कोप ने सडनली एक खोज किया है। यहाँ पे खोज क्या किया है कि हबल टेलीस्कोप ने एक बौने, मतलब ड्वार्फ आप कह सकते हो, बौने गैलेक्सी का खोज किया है। और यहाँ पर बात की जाए तो ऐसी आकाशगंगाओं में सैकड़ों करोड़ तारे होते हैं इसके अंदर, ड्वार्फ बौने आकाशगंगा के अंदर, ऐसी आकाशगंगाओं में, वही बात हो रही है यहाँ पर, आप इस तरह से देख सकते हो। और हमारी सौरमंडल में पृथ्वी की जो उम्र है 450 करोड़ के आसपास आंकी गई है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पर ग्रुप मॉनिटरिंग कम ब्रेन स्टॉर्मिंग वर्कशॉप, ये ग्रुप मतलब तारा 26, ये एक वर्कशॉप है जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है हिमालयन इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन हैस्को देहरादून के साथ। दूसरा, इसके अंदर एक और बात आप देख सकते हो, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट फॉर रूरल एप्लीकेशन टारा। ये टारा क्या होता है आप समझ ध्यान रखना, टेक्नोलॉजी को इन्हांस करने के लिए रूरल एरिया में, मतलब ये एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये इस तरह का वर्कशॉप होगा कि ग्रामीण लोगों को बताया जाएगा किस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके और अच्छा किया जा सकता है। और ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है और साइंस फॉर इक्विटी एक्सपेरिमेंट एंड डेवलपमेंट सीड डिवीज़न, ये सब मिलके ऐसा कर रहे हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर वही बातें यहाँ पर कही जाती है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी का ये इनिशिएटिव है। नेक्स्ट बात करें तो क्लीन एनर्जी सॉल्यूशन की बात करता है एंड ग्रीन हैबिटेट की बात करता है ये यहाँ पर। और बात करें तो एग्रीकल्चर की वैल्यू एडिशन की बात करता है। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी फॉर एरिड रीजन्स, मतलब हुआ कि जो सूखा हुआ जगह है उसके बारे में बात करता है यह। रूरल इंजीनियरिंग एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, मतलब रूरल लोग भी एक इनोवेटिव प्रोडक्ट्स इंजीनियरिंग की सहायता से बना सकता है, तो इन सब को आप आंसर्स के अंदर यूज कर सकते हो। टेक्नोलॉजी इन फॉरेस्ट्री एंड फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, मतलब फूड प्रोसेसिंग जो हम लोग करते हैं, जैसे किसान लोगों ने उपजा तो दिया, अब आ तो गए, मतलब जैसे फल हो गया, सब्जी हो गई, गेहूं हो गए, लेकिन इनको प्रोक्योर किस तरह से किया जाए इसके बारे में। नेक्स्ट तारा हम लोग जान रहे हैं इसके बारे में, मतलब सोशली हो या इकोनॉमिकली हो या कल्चरली हो, हर तरह से ये इस तरह की चीज़ें होंगी, वर्कशॉप होगा तो लोगों को सीखने को मिलेगा। और इस तरह का मॉडल आप देख सकते हो, ये स्मार्ट विलेज का कॉन्सेप्ट, इस तरह का अगर बने तो हम बहुत आगे जा सकते हैं, हमारी इकोनॉमी जा सकती है, पूरे विश्व में हम एक स्थान बना सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पर जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात की गई है। तो इसके अंदर बात की जाए, बहुत पुरानी संस्था है, 1851 में ये स्टेबलाइज हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, UPSC पूछती है इस तरह की चीज़। नेक्स्ट बात करें तो इसका हेडक्वार्टर बंगाल है, आप कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पर आप देख सकते हो कोलकाता। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर तो ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर है। अब आपके दिमाग में वाला ये सवाल उठ सकता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर क्या, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर इसलिए है कि पहले स्टीम इंजन हुआ करता था, ये जो बॉडी बनी थी, ये बॉडी पहले कोयले के खोज के लिए बनाया गया था ताकि एनर्जी इनको मिल सके। धीरे धीरे ये इनका रूप बदलता चला गया, बहुत सारे काम करने लग गया ये 1821 में इसकी शुरुआत हो गई थी, आप देख सकते हो ये बहुत पुराना संस्था है, तीसरा संस्था है। नेक्स्ट बात करें तो अभी एक छोटा सा टर्म है, बट आपको ट्रैप किया जा सकता है, ये ऑप्शन मिल सकता है, ऑप्शन क्या मिल सकता है आपको कि ये जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ये जैसलमेर में रेगिस्तान में समुद्री जीवों के कई अवशेष खोजे गए हैं यहाँ पर, कई जगह। नेक्स्ट बात करें तो एक इक्लिप्टा प्रोस्ट्रा प्रोरेस्ट्रा है, ये आप वनस्पति में, ये मतलब इक्लिप्टा प्रोरेस्ट्रा, इसको ध्यान रखना, बस एक बार देख लिया याद तो रहेगा नहीं, लेकिन ध्यान रखना ये काम क्या करेगा, यहाँ पे काम ये करेगा कि इसमें ग्लास शीशा सोखने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, हम लोग पॉल्यूशन करते हैं तो पॉल्यूशन से जो इमिशन होता है तो इससे बहुत प्रॉफिट हो सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें
तो देश में निष्पक्ष चुनाव कराने के बारे में बात की गई है कि निष्पक्ष चुनाव किस तरह से कराया जाए और सोशल मीडिया का बढ़ता प्रभाव। अब देखो, इतनी जल्दी तो चुनाव में जो है सो इसको रोका नहीं जा सकता, लेकिन कुछ स्टेप्स लिए जा सकते हैं। जैसे आपको बताऊं तो 1952 में हमारा जब पहला इलेक्शन हुआ था तो उस समय क्या हुआ था, हमारे देश में कितने मतदाता थे, 17 से 17.5 करोड़ के आसपास ओनली। लेकिन आज हमारे पास 85 करोड़ से भी ऊपर मतदाता हैं हमारे पास। तो इतनों को रेगुलेट करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। कानून ऑलरेडी है, ऐसा नहीं है कानून नहीं है, लेकिन ये कानून तो बनाना भी पड़ेगा, क्योंकि ये आईटी रिवॉल्यूशन में हम लोग आ चुके हैं। पुराने कानून हैं हमारे पास, उसमें अमेंडमेंट करना होगा। जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की जाती है फ्रीडम ऑफ स्पीच सही है, लेकिन उसको अगर गलत तरीका यूज़ किया जाए तो उसको रोकने के लिए भी है। एक्चुअल में इलेक्शन कमीशन के पास भी पावर नहीं है अभी उस तरह का कि इस सोशल मीडिया को वो कर्व कर सके। नेक्स्ट बात की जाए तो पॉलिटिकल विल, सबसे बड़ा चीज़ पॉलिटिकल विल, मतलब हमारे गांव को अगर और भारत को एक सशक्त बनाना है। जैसे देखो, डिजिटल इंडिया में आजकल क्या होता है कि एक आम आदमी 200 मिनट प्रतिदिन यूज करता है इंडिया में, 200 मिनट मतलब 6 × 18 मतलब 3 घंटे 20 मिनट के आसपास एक आदमी डिजिटल यूज करता है, मोबाइल फोन यूज करता है। यही आंकड़ा जो है यूएसए में 300 मिनट के आसपास है। तो आजकल हम इसकी ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, तो इन सब को ध्यान देना होगा। इलेक्शन कमीशन, फिर से वही बात कंक्लूजन में कही जा सकती है कि इलेक्शन कमीशन इसको इतने आसानी से रोक तो नहीं सकता है, तो रेगुलेट कर सकता है, तो रेगुलेशन मजबूत होनी चाहिए हमारी। आज के न्यूज़ में इतना ही था। थैंक यू।